हेलो अर्जुन, कैसा है तू? आज पूरे एक हफ्ते बाद तेरा फोन आया है। तेरा काम कैसे चल रहा है? माफी चाहता हूँ चाचा जी, काम अच्छा चल रहा है, थोड़ा काम में उलझा था। आप कैसे हैं? बस एकदम चकाचक। और इंडिया कब आ रहा है तू? बस जल्दी। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ, मेरी इवनिंग शिफ्ट है, मुझे चलना चाहिए, फिर बात करते हैं। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो। अर्जुन का फोन था। अच्छा यार, ये तू अर्जुन की जो बातें करता रहता है, तुझे आज बताना होगा ये अर्जुन है कौन, इससे कैसे तेरी मुलाकात हुई और ये क्या करता है। अर्जुन गर्व है मेरा, कर्मशील कर्तव्यनिष्ठ लड़का, मेरा कोई सगा वाला तो नहीं, पर हाँ उससे कम भी नहीं। कौन जानता था कि एक चाय बेचने वाले का लड़का आज न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बैंक का मैनेजर होगा। चाय वाला? तुझे याद जिन दिनों मैं लखनऊ में पोस्टेड था, हाँ मुझे याद है। उन दिनों अबे चाय बना। अरे भैया जल्दी चाय दो यार। हाँ हाँ भैया ला रहे हैं। अर्जुन तू मानेगा नहीं, अभी हम रद्दी फाड़ के जला देंगे। चला जल्दी जल्दी काम कर, भैया को चाय दे। भैया चाय वाय पिला दो गर्मा गर्म। हाँ भैया ला रहे ला रहे ला रहे। अर्जुन तू मानेगा नहीं ना, ये रद्दी पढ़ना छोड़ और जा बाबूजी को चाय देकर आ। थैंक यू बेटा। वेलकम बाबू। ए छोटू इधर आओ, जरा वो रद्दी उठाओ। पढ़ने जाते हो ना बाबू जी? ये किताब रद्दी वाले से खरीदी, 2 रुपए में बाबू जी। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ बाबू जी। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? अरे बाबू जी अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो बाबा का ध्यान कौन रखेगा, और बाबा मुझे भेजेंगे भी नहीं क्योंकि पैसे भी नहीं। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें स्कूल जाने की परमिशन दे दें और मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूं तो तुम पढ़ोगे? हाँ बाबू जी। अरे बदलू जरा सुनो। जी बाबू जी। तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? अरे बाबूजी कैसे भेजेंगे, इस चाय की दुकान से बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी ही कमा पाता हूँ, अब उसके स्कूल की पढ़ाई के लिए कापी किताब कहाँ जुटा पाएंगे? तुम्हें पता है बच्चे से काम करवाना कानूनन जुर्म है और तुम जेल भेजा सकते हो। अरे नहीं नहीं बाबूजी ऐसा ना कहें, मैं सोचता था घर रहेगा तो आवारा लड़कों के साथ बिगड़ जाएगा, बस इसीलिए उसे भी यहाँ दुकान पर ले आता हूँ। अरे मेरा मकसद तुम्हें डराने का नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपने बच्चे की काबिलियत को समझ नहीं पा रहे हो, वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, ये चाहते हो कि जिंदगी भर ठेला ही लगाता रहे। अब बाबू
जी हम लोगों का ऐसा कहाँ नसीब होगा। अगर मैं तुम्हारे बच्चे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूं, तो क्या तुम उसे पढ़ने भेजोगे? जी बाबूजी। ठीक है, कल मैं तुम्हारे बच्चों को लेने आऊँगा। ठीक है बाबूजी। और अगले दिन मैं अपने शहर के एक अच्छे स्कूल SGS पब्लिक स्कूल पहुँचा। मैंने सुना था कि वो ऐसे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी सहयोग करते हैं। हाँ, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल मैम। आगे जाके लेफ्ट चले जाइए। मे आई कम इन मैम? कम इन। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। मैम, मैं इस बच्चे का एडमिशन आपके कॉलेज में कराना चाहता हूँ। फॉर विच क्लास? क्लास 5। व्हाट्स योर नेम? बेटा आपका नाम क्या है? अर्जुन। इस फॉर्म को भर दीजिए। थैंक यू मैम। बैठ जाओ बेटा। Good morning, all of you. Please sit down. Thank you. How are you? Fine. Now, here is Arjun. He will be studying with you. He is a good boy. So make him friend. और भाई दिवाकर, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। आप? सब बढ़िया है। और क्लासेस कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। अरे शर्मा जी, हाँ, जो अपनी प्रिंसिपल मैडम जो स्टूडेंट लेकर आई थी, मानना पड़ेगा एक महीने का कोर्स उसने 10 दिन में ही खत्म कर लिया। अरे क्या बात करते हैं आप, उसका गेन पावर बढ़ा गया जब का। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं मानता हूँ अगर ऐसे ही पढ़ता रहा ना तो जरूर एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी टीचर उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ना करें, उसे आप क्लास का मॉनिटर बना दें, आप ही उस क्लास के क्लास टीचर हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। अरे छोड़िए ना दिवाकर जी, चलिए यादव जी की चाय पीते हैं, सुबह से दिमाग पक गया है। और दिवाकर जी, चाय शाय हो रही है? और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और आप बताइए? हाँ लीजिए चाय पीजिए। अरे लाइए भाई लाइए। क्या हाल? और सब बढ़िया, आप बताइए। और क्लासेस कैसी सब चल रही है? दिवाकर जी ये चाय, ये यादव जो दिन पे दिन चाय। हाँ वही मैं कह रहा था, अब पीनी पड़ती है मजबूरी में। मतलब आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे टाइट किया जाए। हाँ, क्योंकि अब इसकी आदत हो गई यार। लाइए। रुकिए, इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। हाँ यादव जी, जरा स्टाफ रूम में आइए। हाँ तुरंत आ रहा है क्या? आ रहा है। आज इसकी खबर लेता हूँ, इसको टाइट करना ही पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल लापरवाह हो गया है। चाय देखिए, पैसे लेते हैं ये लोग, ऐसे तो पिलाते नहीं है यार। आ गया। हाँ यादव जी। जी सर। चाय ऐसी होती है, इसे अच्छी तो स्टेशन पे चाय मिलती है। बेटा अर्जुन, आप यहाँ पे कॉपियाँ रख दीजिए। ऐसी चाय बनती है? नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं प्रिंसिपल से कह के किसी और को रखवा लूँ। अरे नहीं सर। सर क्या? नहीं नहीं, बताइए आप मुझे। एक मौका और दे दीजिए सर, अगली बार शिकायत। आप हर बार यही कहते हैं यादव जी, हर बार यही कहते हैं। एक मौका और दे दीजिए सर। जाइए दूसरी चाय बना कर लाइए। ठीक है ठीक है। काका।
हम बोलो बेटा। तुम कहो तो मैं तुम्हें चाय बना दूँ। ना बाबा ना, बड़ी मुश्किल से नौकरी बची भी है। विश्वास करो काका, सिर्फ ये चाय। चलो ठीक है। अच्छा तो अर्जुन ने सचमुच में यादव को चाय बनाना सिखाया? हाँ हाँ हाँ, और क्या। सही है, बच्चे ने यादव की नौकरी बचा ली। हाँ, और यादव जी, यादव ने अपनी तनख्वाह का एक छोटा हिस्सा अर्जुन को देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब अर्जुन का ये काम राज बना रहा? अरे नहीं, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जब चाय की वजह से उन्हें पुरस्कृत किया गया तो यादव जी ने भरे गले से सबके सामने माना कि सब अर्जुन की वजह से हुआ। अर्जुन। हाँ काका। जरा इधर आना। लो रख लो। ये मैं नहीं ले सकता काका। रख लो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये पैसे अपने बाबा को दे देना, उनकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है काका। ठीक है, तुम जाओ। साल के अंत की छुट्टियों में जब मैं अर्जुन को छोड़ने उसके घर गया तो मैंने उसके घर पर अर्जुन और उसके बाबा के रोने की आवाजें सुनी। वो क्यों? मुझे बाद में अर्जुन ने बताया जब मैं उसे घर छोड़ने गया था। ओके बेटा, बाय। बाबा बाबा। हाँ बेटा। कैसा है बेटा? ठीक है बाबा। अब बैठ। पढ़ाई कैसी चल रही? बाबा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बाप का दिल। वैसे तुमने ये काम अच्छा किया कि एक बच्चे को दोजख से निकाल करके शिक्षा की ओर धकेल दिया। पर मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में कितने ही भविष्य ऐसे ही चाय के ठेलों, होटलों और ऐसे कई जगहों पर ऐसे ही सज जाते हैं। वो तो है। अगर हम सभी बस कुछ कदम आगे बढ़कर अपने देश के इन भविष्य की मदद करें तो निश्चित ही सूरत बदलते देर न लगे। बाल मजदूरी करवाना अपराध है, इसे रोकें और देश के भविष्य इन बच्चों को शिक्षा की नई सुबह की ओर ले चलें।